नमस्कार। रिलायंस जियो फेब्रुवरी 2007 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड इस नाम से शुरू हुई थी। बाद में 22 जनवरी 2013 को कंपनी ने अपना नाम बदलकर रिलायंस जियो इन्फोकॉम रख दिया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से रिलायंस जियो मार्केट में आया है, तब से टेलीकॉम सेक्टर में कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गई है और बाकी टेलीकॉम कंपनीज़ को इसकी हिट भी महसूस होने लगी है। जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपना 2G बिजनेस बंद कर दिया है, 3G भी बंद करने वाली है और उन्हें लगातार लॉसेज भी फेस करने पड़ रहे हैं। आइडिया और वोडाफोन का मर्जर होने जा रहा है और एयरटेल की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी काफ़ी असर पड़ा है। रिलायंस जियो ने कम टाइम में ही अच्छा खासा यानी 11% से ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। मतलब टेलीकॉम सेक्टर का 11% से ज़्यादा मार्केट रिलायंस जियो ने अपना कर लिया है और उनका मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। रिलायंस जियो को फाइनेंशियल ईयर 2018 के सेकेंड क्वार्टर में यानी जुलाई 2017 से सितंबर 2017 इस तिमाही में 270 करोड़ का लॉस हुआ है। सो फिलहाल तो रिलायंस जियो प्रॉफिटेबल नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा कर सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोग कंपनी के शेयर्स खरीदकर यानी कंपनी में भागीदार बनकर रिलायंस जियो की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी कि हम रिलायंस जियो के शेयर्स खरीद सकते हैं या नहीं। फिलहाल आप स्टॉक मार्केट में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के शेयर्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने अब तक स्टॉक मार्केट से यानी पब्लिक से पैसा नहीं उठाया है। इसीलिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है और आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से रिलायंस जियो इन्फोकॉम के शेयर्स नहीं खरीद सकते। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के शेयर्स खरीदने के लिए आपको उसके IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का इंतज़ार करना होगा। अगर आपको IPO क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूँ कि कंपनी जब पहली बार पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसे IPO कहते हैं। IPO में कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है और बदले में पब्लिक को शेयर्स देती है यानी पब्लिक को कंपनी में भागीदार बनाती है। तो जब रिलायंस जियो इन्फोकॉम पब्लिक से पैसा उठाना चाहेगी तब जाकर कंपनी अपना IPO लाएगी और उसके बाद रिलायंस जियो इन्फोकॉम के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। रिलायंस जियो इन्फोकॉम मुकेश धीरूभाई अंबानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी है। सब्सिडियरी कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जिसे किसी दूसरी कंपनी ने ओन और कंट्रोल किया होता है और जो कंपनी उसे ओन और कंट्रोल करती है उसे पैरेंट कंपनी कहते हैं। सब्सिडियरी कंपनी के 50% से ज़्यादा वोटिंग स्टॉक्स उसके पैरेंट कंपनी के पास होते हैं। तो इस केस में रिलायंस जियो इन्फोकॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडियरी कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो इन्फोकॉम की पैरेंट कंपनी है। तो इसका मतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो इन्फोकॉम को चला रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिसका मतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक मार्केट से यानी पब्लिक से पैसा उठा चुकी है और आप स्टॉक एक्सचेंज पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद सकते हो। तो अगर आप रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार ध्यान में रखना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी है। पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और ऑयल एंड गैस ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के कोर बिजनेसेस हैं। इन बिजनेसेस को छोड़कर रिलायंस इंडस्ट्रीज के और भी कई सारे बिजनेसेस हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 90 से भी ज़्यादा सब्सिडियरीज है, जैसे कि रिलायंस रिटेल, रिलायंस टेक्सटाइल्स, रिलायंस केमिकल्स एट्सेट्रा, और उनमें से कुछ सब्सिडियरीज की अपनी खुद की और सब्सिडियरीज हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस डिजिटल रिलायंस रिटेल की सब्सिडियरी है और रिलायंस रिटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदने से पहले आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलग अलग बिजनेसेस का एनालिसिस करना होगा और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेनी होगी, क्योंकि रिलायंस जियो इन्फोकॉम तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का बस एक हिस्सा है। अगर आपके जहन में इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स रेगुलरली देख सको और कोई भी लेक्चर या अपडेट मिस ना हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो।